about education. It's all about attachments. Correction. Sure, I'm open. Scurrying outside. मूवी की शुरुआत होती है और दिखाया जाता है बहुत छोटी एज की लड़कियां एक एकेडमी में गन्स चलाना, कार चलाना और फाइटिंग सीख रही हैं। इस एकेडमी के हेड का नाम हार्डमैन है। एकेडमी में लड़कियों को 10 महीने की एज में ही ले जाया जाता है और उसे हर चीज बताई जाती है और समय के साथ साथ इन लड़कियों को एकेडमी के रूल के हिसाब से जीने का तरीका सिखाया जाता है। दरअसल इस एकेडमी में लड़कियों को तरह तरह के खतरनाक मिशन के लिए तैयार किया जाता है। 3 साल की एज में लड़कियों को गन्स चलाना सिखाया जाता था और उसे हर तरह के गन्स के लिए तैयार किया जाता है। वहीं 5 साल की एज में लड़कियों को कार चलाना सिखाया जाता है। इनको हर काम में महारत हासिल करवाई जाती है और हर कंडीशन के लिए तैयार किया जाता है, लेकिन इस एकेडमी के हर काम को मीडिया और न्यूज से बचाकर रखा जाता है। इस एकेडमी का एक मेन रूल रहता है कि इन लड़कियों का कोई नाम नहीं होता और इनको नंबर दिया जाता है, उसी नंबर से ही उसको पहचाना जाता है। एक दिन हार्डमैन लड़कियों को एक टास्क देता है जिसमें एक डॉल के हेड पर पेन से बहुत छेद करना रहता है। वहाँ पर सब लड़कियाँ करने लगती हैं, लेकिन उसमें से एक लड़की उसे अच्छे से गोदी में रखकर बहुत प्यार से छेद करने लगती है। इस बात पर हार्डमैन को गुस्सा आ जाता है और वो उसका डॉल लेकर उस डॉल का गर्दन ही अलग कर देता है, क्योंकि इस एकेडमी का रूल है किसी पर भी रहम नहीं करना। एकेडमी में एक लड़की जिसको 83 से पहचाना जाता है वो वहाँ पर सबसे बेस्ट है। 83 के पास सबसे यूनिक और अच्छे फाइटिंग स्किल है। उसकी गोली हमेशा निशाने पर लगती है और 83 ड्राइविंग में भी बहुत अच्छी है। कहानी शिफ्ट होती है, अब लड़कियां बड़ी हो गई हैं, अभी भी 83 ही एकेडमी की बेस्ट है, लेकिन अब एक ऐसी भी लड़की है जो हमेशा 83 को टक्कर देती है जिसका नाम है 84। 84 हमेशा हर टास्क में अच्छा करती है, लेकिन 83 से हमेशा हार जाती है और ये बात 84 को बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि उसे अपने एकेडमी की सबसे बेस्ट बनना है। 84 83 की वजह से कभी खुश नहीं रहती और इसीलिए वो 83 को मारना चाहती थी, लेकिन एकेडमी के रूल की वजह से वो ऐसा नहीं कर सकती है। 84 हमेशा ही अच्छे और डेंजरस मिशन करना चाहती है, लेकिन एकेडमी में जब भी कोई ऐसा मिशन आता था तो वो 83 को मिल जाता था, लेकिन इसके लिए वो हार्डमैन को बोलना चाहती है, लेकिन वो बोल नहीं सकती थी, क्योंकि एकेडमी का रूल है कि जो मिशन जिसको दिया जाएगा वही करेगा, और हमेशा हर डेंजरस मिशन पर 83 बहुत अच्छा करती थी, क्योंकि वो हर कंडीशन को अपने स्किल और सोच की वजह से अच्छे से अंजाम देती थी और उस पर किसी का शक भी नहीं होता था, और यही वजह थी कि हार्डमैन उसे हर डेंजरस मिशन पर 83 को भेजता था। लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद 83 में भी दूसरी नॉर्मल लड़कियों की जैसे फीलिंग और इमोशंस थे, वो भी अपनी ज़िंदगी को नॉर्मल लड़कियों जैसा गुजारना चाहती थी। तभी हार्डमैन 83 को एक मिशन पर भेजता है, लेकिन जब वो मिशन पर जाती है तो वो वहाँ कुछ लोगों पर नज़र रख रही थी। तभी उसका नज़र एक फ्लैट पर पड़ता है जहाँ लोग पार्टी कर रहे थे और लड़के लड़कियाँ डांस कर रहे थे। ये देखकर उसे फील हो जाता है कि उसकी लाइफ कोई नॉर्मल नहीं है और वो अपनी लाइफ की कई साल इन सब मिशन के लिए गुजार चुकी है, लेकिन वो अब ऐसा नहीं चाहती थी। वो डिसाइड करती है कि वो इन सब से बहुत जल्द दूर चली जाएगी। मिशन खत्म करके जब वो एकेडमी जाती है तो वो अपने साथ कुछ मूवी सीडी और मैगजीन ले जाती है जिससे वो नॉर्मल लाइफ के बारे में कुछ सीख सके। उसे मूवी बहुत पसंद आती है और उसे मैगजीन पढ़ना अच्छा लगने लगता था क्योंकि उसे नॉर्मल लोगों के बारे में पता चल रहा था। लेकिन एक दिन हार्डमैन जब एक मिशन के बारे में सबको इन्फॉर्मेशन दे रहा था तो वहाँ पर 83 एक फाइल में मैगजीन रखकर पढ़ रही थी, लेकिन तभी हार्डमैन देख लेता है और उसे छीन कर 83 को कहता है इन सब चीज़ों से दूर रहो, ये तुम्हारा काम नहीं है। फिर हार्डमैन एक औरत के बारे में बताने लगता है जो उन लोगों का अगला मिशन है। हार्डमैन कहता है उसे 2 दिन में ये औरत चाहिए जिसका नाम विक्टोरिया है। अगले सीन में दिखाया जाता है विक्टोरिया जो कि एक वेपन्स का डील करती है, वो अपने कुछ लोगों के साथ है। वहाँ 3-4 लोग हैं जिसके फेस पर मास्क भी है। विक्टोरिया सबका 1 by 1 फेस हटाकर पूछताछ कर रही है, लेकिन जब वो लास्ट वाले का फेस खोलती है तो वो 83 रहती है। 83 विक्टोरिया के लोगों को मारती है और विक्टोरिया से फाइट करने के दौरान उसे एक रस्सी से हुक कर देती है जो एक फाइटर एरोप्लेन से कनेक्टेड था। 83 खुद भी उस रस्सी से हुक कर लेती है, लेकिन जब वो दोनों हवा में होते हैं तो विक्टोरिया 83 पर गोली चलाने लगती है, इसीलिए 83 अपना हुक खोल लेती है और एक रिवर में जाकर गिर जाती है। लेकिन विक्टोरिया को एरोप्लेन में खींच लिया जाता है जहाँ पर हार्डमैन और 84 भी थे, लेकिन इसी दौरान हार्डमैन जब 83 को नहीं देखता तो वो 83 से कनेक्ट होकर बात करने की कोशिश करता है। पहले तो 83 जब हार्डमैन की आवाज़ अपने डिवाइस पर सुनती है तो रिप्लाई कर देती है, लेकिन फिर उसे ख्याल आता है कि ये उसके लिए बहुत अच्छा मौका है इन सब चीज़ों से दूर भागने का, इसलिए फिर 83 कुछ रिप्लाई नहीं करती और अपने डिवाइस को निकाल कर पानी में फेंक देती है। और जब हार्डमैन 83 की आवाज़ नहीं सुनता तो वो 84 के साथ उस मिशन को कंटिन्यू करता है और वही 83 डिसाइड करती है वो अपने लाइफ को नॉर्मल तरीके से गुजारेगी। कहानी शिफ्ट होती है, हमें दिखाया जाता है कि 83 अपने लाइफ को नॉर्मल गुजार रही है। अब वो खुद को एक नाम भी दी है, मिगन।
अब वो एक स्कूल में एडमिशन भी ले लेती है और अपने लिए एक फैमिली भी ढूंढ लेती है। जब मेगन एयरपोर्ट पर अपनी फैमिली से मिलती है तो उस फैमिली में उसकी एक मदर, एक छोटा बेटा और मेगन की एज की एक बेटी है। लेकिन मेगन का इसके फैमिली में आने से उसकी बेटी खुश नहीं थी, क्योंकि उसे मेगन को देखकर बहुत अजीब लगता था, क्योंकि मेगन हर छोटी चीज़ पर खुश हो जाती थी, क्योंकि उसके लिए ये सब नया था। लेकिन मेगन अपने पिछले कल के बारे में उन लोगों को कुछ नहीं बताती है। मेगन जब फर्स्ट दिन स्कूल जाती है तो सब उसके ड्रेस की वजह से मजाक उड़ाते हैं और उस पर बहुत हंसते हैं। लेकिन तभी उनमें से एक लड़की मेगन को एक कपड़े देती है, क्योंकि कोई भी लड़का या लड़की उसका मजाक नहीं उड़ाया। मेगन न्यू स्टूडेंट है, इसीलिए फैमिली के बाद उसको सबके सामने स्टेज पर अपने बारे में बताने का मौका दिया जाता है। लेकिन जब मेगन अपने बारे में बता रही होती है और स्पीच दे रही होती है तो कोई भी स्टूडेंट उस पर ध्यान नहीं देता है और सब उसका मजाक उड़ाने लगते हैं और सब कहने लगते हैं वापस अपने घर कनाडा चले जाओ। वहाँ बहुत शोर होने लगता है। तभी स्कूल का सबसे स्मार्ट लड़का स्टेज पर आ जाता है, जो कि एक म्यूजिशियन है जिसका नाम है कैश। कैश का खुद का एक बैंड भी है। आते ही गाना गाने लगता है और सब चुप हो जाते हैं। जब मेगन लंच ब्रेक में लंच लेकर जाने लगती है तो वहाँ पर कुछ लड़कियाँ मेगन को अपने पास बुलाती हैं और साथ लंच करने के लिए कहती हैं, लेकिन मेगन उसे मना कर देती है, क्योंकि ये वही लड़कियाँ थीं जो आज उसका स्टेज पर मजाक उड़ा रही थी और चिल्ला रही थी, और मेगन लड़कियों के साथ बैठना भी नहीं चाहती थी। लंच के बाद मेगन अपने बायोलॉजी क्लास करने चली जाती है। वहाँ उसकी मुलाकात रॉकर से होती है। रॉकर दिखने में अच्छा है और वो मेगन को पसंद भी करता है, लेकिन मेगन को इसके बारे में कुछ नहीं पता था और मेगन को कैश पसंद था, क्योंकि कैश ही उस दिन स्टेज पर मेगन का हेल्प किया था। अगले दिन मेगन और कैश को लैब पार्टनर बनाया जाता है, लेकिन दूसरी लड़कियों को ये अच्छा नहीं लगा, इसीलिए वो आती है और कहती है, कैश तुम्हें पार्टनर के लिए कोई दूसरी लड़की को ढूंढ लेना चाहिए, मेगन तुम्हारे लैब पार्टनर के लिए सही नहीं है। लेकिन कैश मना कर देता है। लैब के बाद कुछ लड़कियां मेगन के पास आती हैं और उसे झूठ कहती हैं कि कैश को वो लड़कियां अच्छी लगती हैं जो मैस्कॉट में पार्टिसिपेट करती हैं। मेगन ये सुनकर खुश हो जाती है और मैस्कॉट में पार्टिसिपेट करने के लिए चली जाती है और वहाँ उसका टेस्ट में सिलेक्शन भी हो जाता है। मेगन बहुत खुश हो जाती है। एक दिन मैस्कॉट के प्रैक्टिस के दौरान कुछ लोग मेगन की तरफ आने लगते हैं जो प्योर ब्लैक ड्रेस में होते हैं और उसका फेस भी कवर होता है। वो लोग मेगन को किडनैप करने की कोशिश करते हैं तो उसे लगता है ये हार्डमैन के भेजे हुए आदमी है। मेगन उन लोगों को बहुत मारती है, लेकिन जब उन लोगों का फेस पर से कवर हटाती है तो पता चलता है ये बगल वाले स्कूल के लड़के हैं। वहाँ पर सब मेगन को उनसे लड़ते हुए देखकर वीडियो बनाने लगते हैं। मेगन ये सब देखकर बहुत डर जाती है और वहाँ से चली जाती है। और फिर तभी रॉकर मेगन को उसका फेस कवर लाकर देता है और मेगन की फाइटिंग की तारीफ भी करता है। वहीं दूसरी तरफ हार्डमैन को दिखाया जाता है जो विक्टोरिया को इंटरोगेटेड कर रहा था। विक्टोरिया हार्डमैन को कहती है, तुम गलत कर रहे हो, छोटी बच्चियों को लाकर तुम उसे अपने मतलब के लिए इस्तेमाल करते हो और उसे अलग अलग खतरनाक मिशन पर भेज देते हो और तुम उनसे उनका जीने का हक भी छीन रहे हो। ये तुम्हें नहीं करना चाहिए, तुम उसे छोड़ दो और उसे अपने हिसाब से जीने दो। तो हार्डमैन कहता है, ये मैं अच्छे कामों और तुम जैसे लोगों को सुधारने के लिए कर रहा हूँ, इसलिए तुम मेरे काम के बारे में ज़्यादा मत सोचो और इसमें ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करो। वहीं फिर हमें दूसरी तरफ देखने को मिलता है मेगन का फाइटिंग वाली वीडियो हर तरफ फैल गई है। स्टूडेंट उसके फाइटिंग के बारे में ही बात कर रहे हैं और वो देखकर मजे ले रहे हैं। जब मेगन आती है तो सब उसकी तारीफ करते हैं और कुछ तो ताली भी मारने लगते हैं। मेगन बहुत खुश होती है, लेकिन उसका खुशी और बढ़ जाती है जब कैश आता है और उसे अपना बैंड में आने के लिए इन्वाइट करता है। जब मेगन म्यूजिक प्रैक्टिस के लिए जाती है तो देखती है वहाँ रॉगर भी होता है, उसे लाइक करता है। रॉगर कहता है उन दोनों में बहुत सिमिलैरिटीज़ हैं, लेकिन मेगन का ध्यान कैश पर रहता है क्योंकि वो कैश को पसंद करती थी। तभी कैश उसे एक पार्टी में इनवाइट करता है जो उसकी फ्रेंड अरेंज किया है। मेगन बहुत खुश होती है, लेकिन जब मेगन घर जा रही होती है तो उसे हार्डमैन के लोग किडनैप कर लेते हैं। हार्डमैन के पूछने पर वो बताती है कि उसे बाकी लड़कियों जैसे नॉर्मल जिंदगी गुजारनी है और वो उस एकेडमी के लिए काम नहीं करेगी। लेकिन हार्डमैन को लगता है कि वो झूठ बोल रही है और वो किसी दूसरे एकेडमी के लिए अब काम करती है। इसीलिए हार्डमैन मेगन यानी कि 83 को सच बोलने वाला इंजेक्शन देता है, लेकिन फिर भी वो देखता है कि मेगन सच ही बोल रही है। तो हार्डमैन उसे होश में लाते हुए कहता है, तुमको वापस मेरे पास ही आना होगा, और उसे 2 दिन का टाइम देता है। मेगन को हार्डमैन के लोग उसके घर के पास छोड़ आते हैं। अगले दिन जब मेगन रॉगर से मिलती है तो उसे भी साथ पार्टी में साथ चलने के लिए कहती है, लेकिन वो मना कर देता है क्योंकि उसके पेरेंट्स उसे इजाज़त नहीं देंगे। तो मेगन अकेले पार्टी में चली जाती है। मेगन की मुलाकात पार्टी में 84 से होती है, लेकिन मेगन के पूछने पर भी 84 उसे कुछ नहीं बताती कि वो यहाँ इस पार्टी में कैसे आई है। फिर वहाँ पार्टी में रॉगर भी आ जाता है। मेगन और कैश को किस करते हुए देखकर वो वहाँ से नाराज़ होकर चला जाता है। अगले दिन जब मेगन स्कूल जाती है तो वो देखती है कि उसके बस का ड्राइवर हार्डमैन ही है। हार्डमैन मेगन को बताता है, विक्टोरिया भाग गई है और वो तुमको ही ढूंढ रही है क्योंकि तुम्ही ने उसको पकड़वाया था और इसलिए तुम अब वापस लौट आओ क्योंकि तुम अब सेफ नहीं हो। लेकिन मेगन मतलब 83 मना कर देती है।
लेकिन अगले दिन जब मेगन अपने सिस्टर के साथ कार में जा रही होती है तो कुछ लोग ब्लैक गाड़ी से पीछा करने लगते हैं जो मास्क भी लगाए हुए थे। ये सब देखकर मेगन की सिस्टर उसे इस सब का पूछने लगती है, तो मेगन उसे अपनी बातें बताते हुए कल का सब कुछ बता देती है। तभी वो मेगन की कार पर गोली चलाने लगते हैं जिस वजह से उसकी कार दूसरी कार के से टक्कर हो जाती है और मेगन की सिस्टर जख्मी हो जाती है। मेगन उन लोगों को पकड़ना चाहती थी लेकिन वो लोग गाड़ी से एक जगह छोड़कर भाग जाते हैं। मेगन उस गाड़ी को ढूंढती है और जब मेगन उस गाड़ी को अच्छे से देखती है और पता करती है तो उसे पता चलता है उस गाड़ी में 84 थी, क्योंकि गाड़ी में वही परफ्यूम का महक था जो 84 यूज़ करती थी। मेगन इसके बाद अपनी सिस्टर के पास जाती है जो हॉस्पिटल में थी, उनसे कहती है अब मैं आप लोगों से दूर चली जाऊंगी क्योंकि मैं आप लोगों को और तकलीफ नहीं देना चाहती। तो इस बात पर उसकी बहन कहती है ये बिल्कुल गलत है, अब तुम भी इस फैमिली के हिस्सा हो और तुम अब कहीं नहीं जाओगे। अब ये दोनों साथ मिलकर रहने लगती हैं, ये दोनों साथ पार्टी करने के लिए बहुत शॉपिंग करती हैं। जब वो दोनों पार्टी में जाती हैं तो मेगन कैश से मिलती है और उन दोनों में बातें होने लगती हैं। तभी मेगन कैश को कहती है मैं तुम्हारे पर्सनैलिटी के साथ मैच नहीं करती हूँ और तुम्हें कोई और लड़की को ढूंढना चाहिए, और वो कैश से ब्रेकअप करके रॉगर के पास चली जाती है। रॉगर से डांस के लिए पूछती है लेकिन रॉगर उसे मना कर देता है और कहता है वो किसी दूसरी लड़की के साथ डांस करेगा। तभी एक लड़की आती है, वो कोई और नहीं बल्कि 84 थी। उन दोनों में फिर रॉगर के साथ डांस करने के लिए झगड़ा होने लगता है। उन दोनों में झगड़ा बहुत बढ़ जाता है। फिर हम देखते हैं कि किचन में 84 मेगन को नाइफ से मारने वाली ही होती है कि उतने में ही मेगन की सिस्टर 84 पर हमला कर देती है और 84 जख्मी होकर गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। अब मेगन अपनी सिस्टर के साथ घर जाती है तो वो देखती है कि उसकी फैमिली को विक्टोरिया अपने कब्जे में की हुई है। मेगन उसे लड़ने की कोशिश करती है लेकिन तभी मेगन कहती है कि ये उसकी सिस्टर को भी उसके आदमी पकड़ लिया है। तब मेगन गन विक्टोरिया को दे देती है। तब विक्टोरिया कहती है कि तुम उस एकेडमी की नंबर 1 नहीं हो, उस एकेडमी की नंबर 1 हम हैं। और विक्टोरिया बताती है वो भी उस एकेडमी की स्टूडेंट रह चुकी है और वो भी अपनी लाइफ के लिए वहाँ से भाग आई थी। विक्टोरिया मेगन को कहती है आओ फाइट करते हैं और जो जीतेगा वही इस एकेडमी का नंबर 1 कहलाएगा। फिर उन दोनों में फाइटिंग होने लगती है जहां हम देखते हैं कि विक्टोरिया मेगन से आसानी से जीत जाती है और फिर वो मेगन को गन पॉइंट पर कर देती है। तब मेगन की लास्ट उम्मीद हार्डमैन ही था। उतने में ही हार्डमैन आ जाता है, विक्टोरिया को ट्रैंक्विलाइजर गन से मारता है और उसे किडनैप कर लेता है। मेगन खुश होकर हार्डमैन को हक कर लेती है और थैंक यू कहती है क्योंकि उसने उसकी फैमिली की जान बचाई है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मेगन हेलीकॉप्टर से आती है और रॉगर को घर जाने से रोकती है और उसे हेलीकॉप्टर की सवारी करने के लिए ऑफर करती है और वो दोनों हेलीकॉप्टर की राइड करते हैं और इसी के साथ मूवी की एंडिंग हो जाती है। आई होप कि आपको ये मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू। Fearless.